कहाँ सकती, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो दूसरी ओर यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दोनों के बीच में शुरू से ही एक दुश्मनी पनपती रही है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अलग अलग विचारों को फॉलो करते हैं। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता है तो यूएसएसआर कम्युनिज्म को। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फर्क है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, सबसे अलग और सबसे आसान। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो चाहिए या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाफ कार्रवाई की और जीत भी हासिल की। लेकिन जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए तब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यूएसए एकदम से विश्व शक्ति बन गया जो कि यूएसएसआर को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था, जिसके कारण दोनों के बीच हथियारों की होड़ चालू हो गई। अब यूएसए की नीतियां बहुत ही अलग थी, जिसके कारण यूएसए को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भैया उस समय यूएसएसआर की कमान स्टालिन के हाथों में थी, और इस महाशय ने जो तानाशाही की उसके सामने तो हिटलर भी शर्मा जाए। ज्यादा जानकारी के लिए एक वीडियो है मेरे पास, उसे देखिएगा जरूर। स्टालिन के विचार बहुत ही अलग थे। स्टालिन ने हजारों लाखों की संख्या में अपने ही देश के नागरिकों को मारना शुरू कर दिया था, जिससे यूएसएसआर की जनता में खौफ सा पैदा हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विक्टिम का। लेकिन हम जरा आप बात शुरू से शुरू करते हैं। जब यूएसएसआर में एक आंदोलन शुरू हुआ 1917 में, जब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियां आपस में ही लड़ रही थी, जिसके बाद 1922 आते आते यह आंदोलन खत्म हुआ तथा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस समय के सोवियत संघ के नक्शे के बारे में। सोवियत संघ उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश था, खैर बड़ा तो आज भी है, लेकिन अब उसे रशिया के नाम से जानते हैं। और ये रहे वो देश जो उस समय यूएसएसआर का अभिन्न हिस्सा थे। पहला रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मालदोवा, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुमानिया। इन सभी देशों के अपने अलग अलग कानून थे, लेकिन इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी मास्को में ही तय होती थी। सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है अफगान वार का, क्योंकि इतना ताकतवर देश अफगानिस्तान में 10 साल तक संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिर में हार कर ही वापिस आया। अब इस घटना से हुआ क्या, यही कि सारी दुनिया में यूएसएसआर के प्रति जो डर था वो खत्म हो गया। अफगान वार में यूएसएसआर की काफी बदनामी हुई। दूसरा सबसे बड़ा कारण था यूएसएसआर का कम्युनिस्ट होना, क्योंकि यूएसएसआर में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो सब सरकार के अधीन थी। अब जो कंपनी सरकार के नियंत्रण में रहती है उसका क्या हाल होता है, आप यह उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसा कि आज भारत में बीएसएनएल और जियो, बीएसएनएल भारत सरकार के अधीन में है जबकि जियो एक प्राइवेट कंपनी है। अब आप बीएसएनएल की हालत जो है वो तो आप जानते ही हो, इसलिए वहाँ भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिससे सोवियत संघ की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गिरावट आई। चलिए अब आते हैं प्रमुख घटनाओं पर। उस समय 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि यूएसएसआर का सबसे बड़ा ओहदा होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह किया कि यूएसएसआर में जो कम्युनिज्म की पॉलिसी थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। ये अपनी तीन प्रमुख पॉलिसी लेकर आए, इनमें प्रमुख थी ग्लासमोस, उस्कोरेनी और पेरेस्ट्रोइका। इन पॉलिसी के तहत अब मीडिया को पूरी आजादी दी गई कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी छापिए, सरकार आपको जेल में बंद नहीं करेगी। साथ ही जो चुनाव होंगे उन चुनावों में एक से ज्यादा उम्मीदवार लड़ सकेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की भी बहुत सारी कोशिशें की गई। लेकिन भाई साहब यही वो कारण बने सोवियत संघ के टूटने के, क्योंकि इतने दिनों से अपने दिलों में दर्द छुपाकर बैठे लोगों को आपने बोलने की आजादी दे दी तो वो क्या चुप रहेंगे। मीडिया ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। जो यूएसएसआर के दूसरे देश थे वहाँ भी आजादी की मांग उठने लगी। अब एकदम से सुधार करने की कोशिश में वहाँ की अर्थव्यवस्था और गिर गई, जिसके कारण खाने पीने के साधनों में बहुत बड़ी गिरावट आई। उल्टा लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गए, जिसके बाद अंत में 1990 में एक आंदोलन का दौर चला, जिनमें ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, रोमानिया देश शामिल थे। ये सभी यूएसएसआर का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन इन सभी देशों में एक भाड़े की सरकार होती थी जो यूएसएसआर के इशारे पर चलती थी। इस बार हुए इन आंदोलन में गोर्बाचोव ने वहाँ की सरकारों की मदद करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन देशों से कम्युनिज्म का सफाया। जर्मनी में भी नवंबर 1990 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसके बाद 1990 और 1991 में यूएसएसआर के बाकी बचे देशों में भी आंदोलन शुरू हो गए। वहाँ पर आम चुनाव भी हुए जिसमें वहाँ की कम्युनिज्म पार्टियां हार गई और इन देशों को आजादी मिल गई। यहाँ तक भी गोर्बाचोव का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्य गोर्बाचोव की नीतियों के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ टूटे, इसलिए इन लोगों ने धोखे से गोर्बाचोव को नजरबंद कर दिया जब वो क्रीमिया पर अपनी छुट्टियां मना रहे थे।
और अपनी जनता को यह बताया कि गोर्बाचोव बीमार हैं और अब हम ही सोवियत संघ के माई बाप हैं। लेकिन अब लोग कहां मानने वाले थे। इसलिए मास्को सहित कई बड़ी जगहों पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिसे अगस्त कूप भी कहा जाता है। और यह घटना लगभग 19 अगस्त 1991 की है, जब सारे लोग पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए। इन आंदोलनों को दबाने के लिए आर्मी का भी सहारा लिया गया, लेकिन अधिकतर आर्मियों की टुकड़ियों ने इस आंदोलन में भागने से इनकार कर दिया, क्योंकि रेड आर्मी की कई टुकड़ियों ने साफ कह दिया कि वो अपने ही लोगों पर फायरिंग नहीं करेंगे, जिसके कारण यह आंदोलन दब नहीं सके। जिसके बाद 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, वेलावेजा, यूक्रेन और रशिया जैसे बड़े देशों ने एक समझौता साइन किया, जिसके तहत यूएसएसआर संगठन को निष्क्रिय कर दिया गया और एक नया संगठन बनाया गया, सीआईएस। अब जो बड़े बड़े देश थे वो यूएसएसआर से बाहर तो हो ही चुके थे, इसलिए गोर्बाचोव ने 21 दिसंबर को सभी देशों के नेताओं को बुलाया और फॉर्मली सभी देशों को आजादी दे दी गई। और 25 दिसंबर को गोर्बाचोव ने इस्तीफा भी दे दिया तथा 26 दिसंबर को ऑफिशियली सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया। दोस्तों, यूएसएसआर और यूएसए की बात करें तो उस समय यूएसएसआर यूएसए से काफी आगे था। मतलब सोवियत संघ के टूटने से पहले, चाहे वो स्पेस हो जिसमें पहला उपग्रह यूएसएसआर नहीं भेजा था स्पुतनिक फर्स्ट, चाहे वो पहला नागरिक हो यूरी गागरिन, या चाहे वो पहला जानवर हो लाइका, चाहे वो हथियारों की होड़ हो, लेकिन इन सभी कारणों से सोवियत संघ की इकोनॉमी में अच्छा खासा नुकसान, और यही सबसे बड़े कारण बने सोवियत संघ के टूटने के। और दोस्तों, मेरा आज का वीडियो भी यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब करना तो मेरा हक बनता है यार, क्योंकि हमने समय का सही उपयोग किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।